दर्द बिल्कुल आजाद हो चुकी है। हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। कब से दर्द था, कब से दर्द था? बात बात बरखा भाई ले गिरनी दोनों बाहियां के भरे हैं रोकनी बस दोनों बाही चोट आ गई लो लो अब के नवा गई अब के नवा गई लो हालेलुया हालेलुया। तेल लगाया पानी पिलाया तो बोलने लगा नहीं हो पा रहा था जैसे आपने प्रार्थना की रिसीव की इसका लड़का खड़ा हो जा रहा है। मैंने टच भी नहीं किया किसी को, आप चेक करो अपनी बीमारी को आप जहाँ हो स्वागत करो। वेलकम वेलकम वेलकम। ओ जीवित परमेश्वर धन्यवाद री बाला करादा मंगल गुरु पवित्र परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने हमें सुंदर समय दिया, हम सबको इकट्ठा किया कि ताकि हम तेरी महिमा को, तेरी तारीफ को, तेरी आराधना को कर सके। मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर तू सच में महान है, तू जीवित परमेश्वर है, तू अपने लोगों के बीच में बड़े बड़े काम करता है। मैं प्रार्थना करता मेरे परमेश्वर कि तूने संभाला और बहुतायत ऐसी की हर एक शैतानी आत्मा को खुदा यीशु के नाम में बांधते हैं, हर एक शैतानी रास्तों को बंद करते हैं, हर एक विरोध का रास्ते को बंद करके हर एक क्लेश का रास्ता को बंद करते हैं। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर जो अपने लोगों के बीच में आकर आप सब लोगों को जीत कराएगा। यीशु के नाम सारे आदर और महिमा जलाल यीशु को देते हैं, यीशु के नाम में मांगता हूँ, सुनो और कबूल करे। बोलो आमेन आमेन आमेन। सब बोलो हालेलुया हालेलुया। हाथ उठाओ बोलो हालेलुया हालेलुया। क्या आप आनंदित है कि नहीं? यस। जितने आनंदित है परमेश्वर में एक आराधना के साथ झूमते हुए आराधना करेंगे और साबित करेंगे हालेलुया आनंदित है, परमेश्वर के मगन है और हालेलुया आराधना कर। ओ मुझको तेरी जरूरत है, ओ पवित्र आत्मा मुझको तेरी जरूरत है। I'm
मलेशिया के लोगों परमेश्वर हमें तेरी जरूरत है बीच में परमेश्वर के दूत घूम रहे हैं। यस आमीन। परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में और वो जितने लोगों ने उसको पुकारे जितने लोगों ने उसको इनवाइट किए यीशु जी की परमेश्वर है। जितने उस पर भरोसा रखते हैं जितने उस पर विश्वास करते हैं जितने उसको पुकारते हैं वो एक भी जन निराश नहीं होते हैं वो आनंदित होते हैं क्योंकि परमेश्वर उनसे प्यार करता है। सब हालेलुया। हालेलुया। आप से परमेश्वर प्यार करता है।
विश्वास करते कि नहीं? मैं कह रहा हूँ आपसे प्यार करता है, पीछे मैं देख रहा हूँ लोगों से प्यार करता है, पीछे मैं किसी को चंगा होते देख रहा हूँ, कह रहा हूँ परमेश्वर तुमसे प्यार करता है। कोई कोई ऐसा व्यक्ति है जो चलता नहीं है, परमेश्वर से प्यार करता है, कोई ऐसा व्यक्ति है और उसको पैर से प्रॉब्लम है, पीछे मैं देख रहा हूँ आत्मा में पैर से प्रॉब्लम है, और ऐसे कोई कोई उसको ड्रेस होगा लाल, उसको खड़ा नहीं होता, चल नहीं पाता है, लेकिन परमेश्वर कह रहे हैं आज परमेश्वर तुमसे प्यार करता है। मैं ऐसा देख रहा हूँ कोई लाल ड्रेस या बूढ़ा आदमी देख रहा हूँ, परमेश्वर कह रहा है मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम चलोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हाँ, एक बार और गीत गा के सुना मुझे, उसको उठाओ जिसको मैं देख रहा हूँ, ऐसा व्यक्ति का लाल ड्रेस देख रहा हूँ, लाल ड्रेस के तरह हालेलुया पीछे और आगे कहीं पर एक लाल ड्रेस में कोई व्यक्ति है जो चला नहीं जाता, उसको लाल वर्दी पहना होगा, उसको परमेश्वर कह रहा है वो ठीक हो चुका है, ऐसे आत्मा में देख रहा हूँ ठीक हो चुका है, उसे चेक करो परमेश्वर ब्लेस करेगा। हाँ हाँ, ओ सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तो, ओ हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती तो, सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तो, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती तो, सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती, सारे चलता था लेकिन परमेश्वर बिना डंडा के उसको चलाने जा रहे हैं। ये पैर कब से काम नहीं कर रहा है, कब से, कितने साल से? 2015 में फालिस मार दिया, तब से दोनों पैर आपका दिक्कत हो गया, हाथ में भी दिक्कत है, हाथ पांव से काम नहीं होता, चलना जैसा दौड़ा नहीं जैसा, कोई काम नहीं कर पाते हो। ओके, कहाँ से आए हो, घर कहाँ है? बिहार से हैं। कौन से जगह से? हमारे पंचायत है सदमुआ। कौन से जगह? सदमुआ पहाड़, गोपालगंज जिला। गोपालगंज जिले में। ओके, क्या तुम विश्वास करते हो कि परमेश्वर तुम्हें ठीक करेगा? हाँ जी। ओके, तो एक गीत गा, गीत गा, गीत गा। रूहे खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है, मुझे छू गया है, छू
रखो आंख बंद रखो और मन से प्रार्थना करो, आंख बंद रखो बंद रखा और मन से प्रार्थना कर कि परमेश्वर आज तेरे टांग में बल दे किसी करेगा। ओ री बाला करा दा मन ने कितने चाहते हैं लोग जो अपने पैर से चला नहीं जाता इनसे, आप देखें किस कंडीशन में लाएगा। लेकिन परमेश्वर पर विश्वास करो क्योंकि परमेश्वर चिंता करने वाला परमेश्वर है। उसने कहा जितने मुझ पर विश्वास, मैं किसी को देख रहा हूँ, कोई ऐसा भाई है उसको दाहिने साइड पेट में दर्द होता है और सूजन टाइप का हो गया है, लेकिन मैं कह रहा हूँ अभी इसी समय उसका सूजन भी परमेश्वर खत्म कर रहे हैं। मैं पथरी से आपको आजाद होते देख रहा हूँ, आपको कैंसर से मुक्त होते देख रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में। आज परमेश्वर आपके जीवन में खुल के काम करेगा, आप देखोगे और परमेश्वर की महिमा आपको प्रकट होगी यीशु के नाम में। बोलो यीशु मैं लगा, मैं चलना चाहता हूँ, दौड़ना चाहता हूँ, सारा काम करना चाहता हूँ। बोलो यीशु मैं पापी हूँ, मेरे अपराध को, मेरे पाप को क्षमा करो, मुझे जीवन दो, मैं प्रार्थना करूंगा, तेरे पीछे चलूंगा यीशु के नाम में, आमेन। ओके आंख बंद करो, तू आराधना कर। ओ बड़ी कुदरत वाली है आवाज यहोवा तेरी, बड़ी कुदरत वाली है, बड़ी कुदरत वाली है आवाज यहोवा तेरी, बड़ी कुदरत वाली है। ओ लंगड़ों को चलाती है, दिलाती है, बड़ी कुदरत वाली है आवाज यहोवा तेरी, बड़ी कुदरत वाली है। उठ के देख, उठ के देख, चल के देख, पैर बढ़ा, पैर बढ़ाओ, पैर बढ़ाओ, बढ़ाओ। तेरा फजल मेरे लिए काफी है, तेरा फजल मेरे लिए काफी है, नहीं गिरेगा, नहीं गिरेगा, फजल मेरे लिए काफी है। Yes, you did।
तू नीचे जा, तेरा काम नहीं है, तू नीचे जा। ऐ लड़की, तुम लोग इसका थोड़ा सही करो, तुम नीचे जा, चल नीचे, उतर नीचे, उसको भगा नीचे, पहले इसका कपड़ा सही कर, ये ठीक हो चुकी है। थैंक यू जी, लुका सही से पहना इसको सही से। ऐ कोई नहीं आएगा, चल तू बैठ, कोई औरत नहीं आएगी इसको, कोई नहीं, चलने देना इसको, लड़की लड़की काम कर लेंगे, चल इसका सही से लगा, बटन 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 पवित्र परमेश्वर। इसे बल दे खुदा बाप, बल दे, बांधो 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 बांधो। ओ रिपाला करो, इधर हाथ पकड़ मेरा, हालेलुया, पैर बढ़ा पैर बढ़ा पैर बढ़ा पैर बढ़ा चावस। ओ झूलिया 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 यीशु ने, झूलिया 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 आज से तेरा उम्र बढ़ गया, समझे कि नहीं, तेरा साल कोई नहीं लेके भागेगा, ठीक हो गई आज से, सब बल हाले लिया, इसको इसके घर वाले कहाँ हैं, इसके घर वाले आप ही हैं, अब देखो आपके पत्नी है, ये पत्नी है, कौन ही है, आज से थोड़ा सा मेहनत करना, इसको अभिषेक का तेल लगा देना इसको, ठीक है, और इसको खान पान पर थोड़ा ध्यान दे देना, आज से आपके पत्नी पूरे तरीके से ठीक हो जाए, कब से बीमार है, कब से तो ये थाली से मार दिया है, लगभग 3 साल हो गया, हाँ हाँ, 3 साल के बाद ये ठीक थी, चलती भी ठीक थी, हाँ, 3 महीने से हॉस्पिटल में ले गया था, हाँ, तो उसको एक औरत ने उसको घोड़ पर मालिश कर दिया, तब से ये पैर में दर्द था और ये चलना बंद हो गया। ओके okay, अब देखो मैं हल्का इशारा दे रहा हूँ और चल पा रही है, ओके ओके चल चल चल, होते ने सारे रोगों से सिभाया गया, अपने लोगों को खुदाया गया, लेकिन आज से ये ठीक हो गई और परमेश्वर इसको आजाद कर चुका, ठीक है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहना और इनको चलने को बोलो, इनको चलने के बोलो, अब बैठने नहीं है, अभी घूमने को बोलो, बोलो पूरा पुठिल्ली घूमे, आधा घंटा घूमे लगता, क्योंकि जिंदा खुदा है तो मेरा, खुदा है तो मेरा,
देख रहा हूँ नीलम नीलम कोई नीलम करके परमेश्वर उसे ब्लेस करेगा और उसकी समस्या से परमेश्वर मैं देख रहा हूँ आजाद कर रहा है और परमेश्वर एक बड़े गवाह इसको चला के लेके जाना है चला के लेके जाना यहाँ से उतार आराम से पैर पर हाँ देख इसका बिल्कुल पैर काम नहीं कर रहा था देखो ध्यान से बस खड़ा करा ओके ओके दोनों साइड सो जाओ इसको भी पैर खुलने दो काफी दिन से चली नहीं है इसलिए ऐसा हो रहा है हाँ दो दो हो जाओ दो हो जाओ दो थैंक यू जीसस ये तीन महीने से पैर से चले ही नहीं इसलिए इसको लग रहा है मेरा पैर ही नहीं है समझ रहे कि नहीं अभी यार थोड़ा सा चलेगी इसको अंजाद हो जाएगा तो मैं चल सकता हूँ वो तो खत्म हो जाएगा सतास मत डरो मैं ठीक कर दूंगा ओके 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 थैंक यू हाँ इनको भी उतरने दो और मैं कहा मैंने नीलम को देखा परमेश्वर से ठीक कर रहा है और मैं थोड़ा गवाही लूंगा फिर मैं आज जितने सीरियस लोग हैं सबके लिए मैं दुआ करूंगा परमेश्वर ब्लेस करेंगे सब लहा ले ये उतर जाएंगे खुद उतरेंगे थैंक यू जीसस गवाही गवाही के लिए रेडी हो जाओ हालेलुया गवाही के लिए रेडी हो जाओ ये ले आओ आगे गवाही गवाही बताएंगे जल्दी से ओ हालेलुया ओके चलाओ 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 एक औरत फर्स्ट औरत रखो यहाँ पर पहचानते नहीं कौन औरत फर्स्ट काम करती है उसको रखो जो जल्दी जल्दी काम कर ले हाँ हाँ कौन सी गवाही है क्या गवाही है सुनाओ मेरे को गवाही को एक एक ए तीनों नहीं चल 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 एक बस अकेले गवाही ले लीजिए रहने दे हालेलुया ये बहन मीरा देवी मोहना तिवारी टोला साई है इस बहन को 14 साल से पथरी था ये प्यूरी रिपोर्टें हैं इनका इस बहन को 14 साल से पथरी था और थायराइड और शुगर की बीमारी थी ये बहन थायराइड और शुगर से ग्रस्त थी ये बहन आज 14 साल से परेशानी थी ये बहन गोरखपुर से लखनऊ ये बहन गोरखपुर से लखनऊ तक दवा कराएं कहीं से इनको आराम नहीं मिला ये सारी रिपोर्टें इनकी हैं ये बहन यूट्यूब पे देखे पास्टर राजकुमार मिनिस्ट्री गोबरहिया देखने के बाद ये बहन यहाँ आई आने के बाद आपसे ले हैंड प्रेयर कराई प्रेयर कराने के बाद एक हफ्ते के बाद ये बहन अपनी जांच कराई तो उस जांच में बिल्कुल इनका रिपोर्ट नॉर्मल आया ओ हालेलुया क्या बीमारी हो गया बहुत दुख कट रही है किशोर के इथे से हम सब बढ़िया हो गए नहीं क्या का दुख था तुमको थायराइड शिखंडिया शुगर पथरी लीवर में सूजन इतने बीमारियां था और जब तू यहाँ पर जब तू यहाँ आई और तेरे लिए लेहन प्रेयर हुआ तो क्या हुआ अभी कैसी है प्रार्थना होने के बाद क्या हुआ सब बीमारी ठीक हो गई ओके ओके जोर से जोर से मैं मिल गया मैं तो नाचूं कहां से आई है चोरी चोरा गोरखपुर से आगे से नहीं गोरखपुर से और इधर ही है आगे किधर गोरखपुर जिला कोडेला अच्छा अच्छा इतना दूर से आई है देखो चौरी चौरा से गवाही देने के लिए कि पिछली बार आई थी मैंने इसके लिए दुआ किया और इसने रिपोर्ट चेक करा इसका सारा रिपोर्ट नॉर्मल हो चुका है ठीक हो चुकी है और उसी का गवाही लेकर इतना दूर से आई है और परमेश्वर इसे ब्लेस करेगा हालेलुया हालेलुया और क्या लाइए माला लाइए चल पाकरे हजूरी दे कमा पाकरो हजूरी दे कमा सारा
दबा देता हूँ परमेश्वर, इसे बेटे के साथ ब्लेस कर, मैं यीशु के नाम में आशीष देता हूँ। सच में मेरे पिता अगली बार गवाही लेकर आए, ये गवाही दे मैं प्रेग्नेंट हूँ यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। आमीन। तेरे को पथरी है, पथरी है, ब्लेसिंग इन द नेम ऑफ जीसस, पथरी से मैं मुक्त करता हूँ यीशु के नाम में। आमीन। जाओ चेक करो, चेक करो, चेक करो, अब अगली बार सुबह। हालेलुया। मैं देख लूंगा, मैं देख लूंगा, मैं उधर चाहूंगा। चलो चलो अगले गवाही। नेक्स्ट 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 फटाफट। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। हालेलुया, हालेलुया। ये बहन कमला देवी, ये बहन गोरखपुर से आई है। एक तरह से पूर्वांचल का एक डॉक्टरों का गढ़ माना जाता है गोरखपुर। ये बहन गोरखपुर से आई है। इस बहन को एक साल से दांत में कैंसर हो गया था। ये बहन कैंसर के लिए गोरखपुर पोलदार हॉस्पिटल से लेके बनारस और लखनऊ तक दवा कराई थी, कैंसर जा नहीं रहा था। ये बहन बहुत परेशान थी कि अब मैं कहीं का नहीं हूँ। ये बहन यूट्यूब पे देखी पास्टर राजकुमार मनिष्टी गोबरहिया, देखने के बाद ये बहन यहाँ आई। आने के बाद आपसे स्पेशल ले हैंड प्रेयर कराई। आज ये बहन कैंसर से बिल्कुल मुक्त हो गई है। जोर से स्वागत करो। हालेलुया। बैठने दो इनको, जोर से। मैं अभी गवाही रोकूं वहीं पर। मैं भेंट के लिए प्रार्थना करूंगा, वचन दूंगा और फिर लिया जाएगा। तू गवाही के बाद बलि दे बल, यहोवा मेरा मेरे बल, यहोवा मेरा मेरे बल। मैं पाई जावा बलि दे बल, यहोवा मेरा मेरे बल, यहोवा मेरा मेरे बल, यहोवा मेरा मेरे बल। कितने सारे लोग चाहते हो आज मेरा नंबर आ जाए। परमेश्वर कहता है कि जितने लोग व्याकुल हो, जितने तैयार हो कि परमेश्वर आज मैं ठीक हो जाऊं, मेरा टांग ठीक हो जाए, मेरा काम बन जाए। परमेश्वर कहता है उतने लोग रेडी रहो। कहता है कि परमेश्वर उससे प्यार करता है जो दुल्हन रेडी रहती है दुल्हा के लिए। परमेश्वर सबका दुल्हा है। वो कहता है कि मेरे बेटी मेरे रेडी रह तू, क्योंकि मैं तुम्हें चंगा करने के लिए मैं तेरे पास आऊंगा। सब हालेलुया, हालेलुया। आप रेडी रहो और परमेश्वर आपसे प्यार करता है। और मैं एक वचन दूंगा कि परमेश्वर आपके घर के गरीबियों को कैसे दूर करेगा, आपके घर के समस्याओं को कैसे दूर करेगा, आपके घर में धन को बढ़ते कैसे आएगा, क्या करना होगा उसके लिए। तो आप बाइबल से कुछ वचन समझेंगे और वचन के बाद हम आगे को गवाही लेंगे और आपके लिए प्रार्थना करेंगे। सब हालेलुया। हाथ उठाओ, अपने पड़ोसी से बोलो चुप रहो, 10 मिनट बोलो चुप रहो। पड़ोसी से बोलो, अपने बगल वाले आपका पड़ोसी है, आपका घर वाले आपका पड़ोसी नहीं है। इस समय जो आपके दाएं बाएं बैठे हैं वही पड़ोसी हैं आपके, उससे बोलना चुप रहो, बोलना नहीं, आधा घंटा चुप रहना। सब हालेलुया। जब आप उसको आधा घंटा के लिए चुप करोगे, परमेश्वर आपको भी आशीष देगा और उसको भी आशीष देगा। सब हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। ओके ओके, अपने सर पे हाथ रखो कि परमेश्वर जो कलाम तेरा वचन में सुने वो 100 गुना फल लेकर आए। परमेश्वर मैं तेरा आशीष को महसूस करूं कि तू मेरे अंदर रहता है, तू हमें आशीष देता है। सब हालेलुया, हालेलुया। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे भेंट के बारे में। भेंट क्या होता है? जो हम दान करते हैं, जो दान आप देते हो, झोला के अंदर दान देते हो, दशमांश देते हो, क्या ये सबको बैठने को बोलो, कोई खड़ा ना रहे, अंदर बैठो, कुर्सी लगा दो, कुछ भी लगाओ इनके पास, लेकिन बैठने के सबको बोलो, कोई खड़ा ना रहे। खड़ा होकर पैर में एक तरफ से दर्द होगा, एक तरफ से वचन सुनोगे कोई फायदा नहीं होगा। एक तरफ से जब आदमी को राहत मिलता है तो कुसुम पाता है। बैठ के आराम से सुनो और देखो कि परमेश्वर के क्या काम होता है। सब हालेलुया। हाँ हाँ, सबको बैठने को बोलो, फास्ट करो, फास्ट सब बैठ जाओ। ओके ओके, तो भेंट क्या है? कितने लोग भेंट देना जानते हैं? भेंट देते हो कि नहीं? दान देना कहता है खुदा कि जब तुम मेरे पास आओगे, मेरे ओर फिरोगे, तो कहता है मैं तुम्हारे ओर फिरूंगा। कहता है कि जब तक एक व्यक्ति दूसरे की तरफ ना ताके, दूसरे का मदद ना करे, दूसरे की हेल्प ना करे, तो वो ये मत समझे कि अगर मैं दूसरे की हेल्प ना करता हूँ, दूसरे की मदद ना करता हूँ, तो लोग मेरा मदद करेंगे। नहीं, अगर आप किसी और का मदद नहीं करते हो तो आपका भी मदद करने वाला कोई नहीं होता।
जैसा आप करते हो वैसा आशा भी रखो कि मेरे साथ भी ऐसा होगा, लेकिन अगर नहीं करते हो तो आशा भी मत रखो कि आपके साथ ऐसा होगा। सब हालेलुया। तो आपको इस बात पर ध्यान देना है और परमेश्वर का वचन बड़े ध्यान से सुनना है, और जैसे आप परमेश्वर का वचन का सुनोगे परमेश्वर आपको 100 गुना आशीष देगा। सब हालेलुया। तो आप ध्यान दो और अपने बाइबल खोलो, दूसरा कुरिन्थियों निकालो, दूसरा कुरिन्थियों और वचन उसका 9 उसका 6 पढ़ेंगे और क्या लिखा है उस पर ध्यान से सुनेंगे। हालेलुया हालेलुया। क्या लिखा? परंतु बात यह है कि जो थोड़ा बोता है, परंतु बात यह है जो व्यक्ति थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा, वो थोड़ा काटेगा भी और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। कितने सुन पा रहे हो? कह रहे जो थोड़ा बोता है, जो थोड़ा फसल बोता है वो थोड़ा फसल काटता है, और जो ज्यादा फसल बोता है वो ज्यादा फसल काटता है। जो थोड़ा बोएगा वो व्यक्ति थोड़ा काटेगा भी, और जो अधिक बोएगा वो अधिक काटेगा भी। समझ रहे कि नहीं? तो आप परमेश्वर के घर में हो, आप थोड़ा विश्वास लेकर आए तो थोड़ा काम होगा, ज्यादा विश्वास लेकर आए हो ज्यादा काम होगा। अगर आप दान करते हो, जब दान देते हो तो जैसा बोओगे वैसा आपके लिए फल भी आएगा। सब हालेलुया। ध्यान देना है कि हमें कैसे बोना चाहिए। एक बार और पढ़ क्या लिखा, जो थोड़ा बोता है। यस, परंतु बात यह है कि जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। समझ रहे कि नहीं? इस वचन को रोक कर रखो, एक आदमी उसी पर दूसरा आदमी एक वचन पढ़ो मेरे साथ, और उसमें पढ़ो निर्गमन का पत्र 25 उसका 2। निर्गमन 25 का 2 पढ़ो जल्दी से। वो वचन वही रखना है। हाँ हाँ, क्या लिखा? इजराइलियों से यह कहना कि, इजराइलियों से यह कहना कि मेरे लिए भेंट लाए। मेरे लिए क्या लाए? भेंट लाए। परमेश्वर आपसे भेंट मांगता है, कहता मेरे लिए भेंट लाए। जब कोई व्यक्ति परमेश्वर के घर में अपना इच्छा से भी बढ़ के दान करता है, भेंट देता है, दशमांश देता है, तो परमेश्वर उसके बंद पड़े रास्ते को खोल देता है। सब आमीन। लेकिन परमेश्वर क्या कह रहे हैं? इजरायली लोगों से कह रहे हैं, अपने लोगों से कह रहे हैं जिनको छुड़ाया था, जिनको आजाद किया था, उनसे कह रहे हैं कि बोल उन लोगों से क्या करे, मेरे लिए भेंट लाए, मेरे लिए दान लेकर आए, मेरे घर के लिए दान लेकर आए, क्योंकि मेरे घर में सकता है जरूरत है उसके। सब हालेलुया। दान लेकर आए। जब कोई व्यक्ति परमेश्वर के वचन के अनुसार से काम नहीं करता है, वो लाख बार भी प्रार्थना करे, लाख बार चर्च में आए, अगर तुम परमेश्वर के हिसाब से काम नहीं कर रहे हो, उसका वचन के अनुसार से काम नहीं कर रहे हो, तो जल्दी से आजादी होना मुश्किल है। क्योंकि जब तुम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हो, उसके पालन करते हो, उस पर चलते हो, उसको फॉलो करते हो, तो परमेश्वर जल्द से जल्द आशीष तुम्हारे ऊपर वारिस करता है। सब हालेलुया। जो कोई मेरी आज्ञाओं को मानता है वो धन्य होता है, वो व्यक्ति धन्य होता है। जब हम परमेश्वर का आज्ञा मानते हैं तभी हमारे ऊपर आशीष आता है, लेकिन जब हम परमेश्वर का वचन को नहीं मानते हैं, आज्ञा नहीं मानते हैं, तो हमारे ऊपर आशीष नहीं आती है। इसीलिए सबसे पहले जरूरी है कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को माने। जैसे व्यवस्था विवरण में लिखा है कि हाँ, पढ़ 28 में क्या लिखा, पढ़ो जल्दी से, क्या बस तू यहीं रख, तू अपने वचन में। हाँ, दूसरा कोई पढ़ो व्यवस्था विवरण 28 में क्या लिखा, पढ़ो क्या लिखा। हालेलुया। हाँ, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने के चित्त लगाकर उसकी सुनो, तो वह तुझे पृथ्वी के सब जातियों से श्रेष्ठ करेगा। श्रेष्ठ करेगा। अगर तुम धनी होना चाहते हो, अगर तुम गरीबी से आजाद होना चाहते हो, अगर तुम दुख से आजाद होना चाहते हो, अगर तुम समस्या से आजाद होना चाहते हो, तो आपको करना क्या होगा? कहता है परमेश्वर की जब तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे, मेरी बात को ध्यान से सुनोगे, तो तुम पृथ्वी पर सबसे ज्यादा धनवान हो जाओगे। सब हालेलुया। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के वाक्यों को मानते हैं, इसमें क्या लिखा,
यदि तुम परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो यदि तुम परमेश्वर यहोवा के सारे आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ मैं आज तुझे सुनाता हूँ मत बजाओ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर चौकसी से पूरी करने का मतलब ध्यान से सुनने का चित्त लगाओ कि मैं ध्यान से वचन को सुनूं उसके सुनो तो वो तुझे पृथ्वी के सब जातियों को श्रेष्ठ करेगा वो तो मैं पृथ्वी के सारे जातियों में सारे लोगों में ऊंचा कर देगा बोलो आमेन आमेन लेकिन जब तुम ऐसा करो तो जब तुम ऐसा मानो तो उसी का 28 के साथ में क्या लिखा जब तुम ऐसा ज्ञान को मानते हो तो क्या होता है यहोवा ऐसा करे कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करें वे तुझसे हार जाएंगे जब शत्रु भी तुम्हें चढ़ाई करेंगे तुम्हारा विरोध करेंगे तुम्हें सताएंगे तुम्हारे धन लूटेंगे तुम्हारे जमीन पड़पेंगे तुम्हारे खेत में तुम्हारे फसल में तुम्हारे चीजों में अगर वो दबाव भी देंगे अगर तुम परमेश्वर में वफादार हो परमेश्वर के बाद अपना दान अपना दशमांश लेकर आते हो उसको ईमानदारी से हर महीना देते हो हर हफ्ते दे रहे हो तो परमेश्वर कह रहा है कि जब तुम मेरे सामने वफादार रहोगे तो मैं भी तुम्हारे सामने वफादार रहूंगा काल के साथ में जितना यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे मेरे शत्रु जब तुझ पर चढ़ाई करेंगे वो तुमसे बिल्कुल हार जाएंगे वो एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे परंतु तेरे सामने से सात मार्ग से होकर भाग जाएंगे वो एक मार्ग तेरे ऊपर चढ़ाई करेंगे सात मार्ग होकर भाग जाएंगे मैं आपको बताना चाहता हूँ अगर हम परमेश्वर में वफादार नहीं होते अगर हम परमेश्वर के सामने ईमानदार नहीं होते तो शायद हमें भी यहाँ खड़ा होना मुश्किल हो जाता है क्योंकि मैं ईमानदार हूँ इसीलिए जब मैं बाइबल पढ़ रहा था जब संकट में बाइबल पढ़ रहा था परमेश्वर ने कहा तू क्यों चिंता करता है क्यों निराश रहता है कहता तू जहाँ जहाँ जाएगा यहोवा तेरे संग संग जाएगा सब कहा कि जितने काम में तू हाथ लगाएगा वो सारे काम सफल होंगे और मैंने हाथ डालते गया और काम बनते गया आज हम बिल्कुल आजाद हो चुके हैं यीशु के नाम में बोलो आमीन आमीन ये कौन कर रहा है परमेश्वर है कि नहीं यस ईमानदार बनो वफादार बनो वैसे ही इजराइलियों से क्या कहा 25 के 2 में क्या लिखा वहां पर हालेलुया इजराइलियों से यह कहना इजराइलियों से यह कहना मेरे लिए भेंट लाए मेरे लिए क्या लेकर आए भेंट जितने अपनी इच्छा से देना चाहे जितना भी अपनी इच्छा से जब कोई व्यक्ति दान अपनी इच्छा से देता है उन्हीं सबों में मेरे भेंट लेना जो व्यक्ति अपना इच्छा से दान करे उसी से भेंट लेना लेकिन जबरन किसी से भेंट लेने की जरूरत नहीं है जबरन अगर आपने इच्छा के अनुसार दान नहीं करता है उसका भेंट ग्रहण नहीं होता है दान दो प्रकार का होता है एक दान होता है जब आदमी अपना खुशी के अनुसार से देता है और एक व्यक्ति दान करता है देता भी है और कुड़कुड़ाता भी है यस दो प्रकार का दान करते हैं लोग एक दान होता है कि मन में आया कि मैंने इतना दान करना है वो कर दिया एक दान होता है कि दान भी करते हैं और जाकर 10 जगह बताते भी हैं बुलवाते भी हैं मैंने इतना दान किया ये दान को परमेश्वर नहीं सुनता दान मन की अगुवाई से किया करो दान जब भी दो अपने तो कहता है कि तेरा दाएं हाथ जो दान करता तेरे बाएं हाथ ना जाने तूने क्या दान किया इसलिए जब ऐसे इसीलिए परमेश्वर कहता है जब तुम्हें प्रार्थना भी करने का मन करे तो कोठरी में जा दरवाजा बंद कर गुप्त में प्रार्थना कर तब तेरा पिता जो गुप्त में तुझे दिखता है तुझे प्रतिफल देगा क्यों देगा क्योंकि तूने गुप्त में दुआ किया गुप्त में दान दिया गुप्त में किसी का मदद किया गुप्त में भेंट दिया जब तुम गुप्त में देते हो तो लोग देखे या ना देखे लेकिन आप स्वर्ग पिता जो स्वर्ग में है वो आपको देखता है और वो आपको कर्जी से गरीबी से बीमारी से मुक्त करता है सब हालेलुया लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो फिर आपके समस्या का मुक्ति होना मुश्किल है एक व्यक्ति कैसा ठीक हो सकता है क्योंकि परमेश्वर ने कहता है मेरे लोगों मेरे इजराइली लोगों मेरे पास भेंट लेकर आओ मेरे दासों को पास भेंट लेकर आओ मेरे नबी को पास भेंट लेकर आओ और जब जब कोई व्यक्ति भेंट लेकर नहीं आता है छल करता है परमेश्वर से उसका काम नहीं बनता है चाहे वॉलंटियर हो स्पॉन्सर हो पास्टर हो कोई भी व्यक्ति हो अगर देखो परमेश्वर कहता है कि मैं वचन में लिखा किसी का पछताप नहीं करता मतलब किसी का भेदभाव नहीं करता सबका बराबर देखता है धर्मी को अधर्मी को दोनों को ध्यान से देखता है जो देता है उसको भी जो नहीं देता उसको भी किसी का पक्ष नहीं करता यानी कि मैंने मेरा बेटा मैं उसका पक्ष कर लिया और जो नहीं दिया उसका पक्ष नहीं करूंगा नहीं परमेश्वर दोनों का न्याय चुकाता है सफल हालेलुया इसलिए परमेश्वर सबका है जो कोई विश्वास करता है मैं कह रहा हूँ पास्टर दान नहीं देता है मैं कह रहा हूं उसका जिंदगी
नेट हो जाएगा, वो बर्बाद हो जाएगा। एक व्यक्ति जो नेट बिछाता, दरी बिछाता है और वो खुदा के सामने ईमानदारी से दान देता है, मैं करूँ पास्टर से सबसे आगे वही जाने वाला, यीशु मसीह का नाम है, बोला आमीन, सबसे आगे वो चले जाएगा। क्योंकि परमेश्वर, जब आप देखो बाइबल में लिखा है जगह कि जब दान देने के लिए बहुत सारे लोगों ने चर्च का आराधना में दान दे रहे थे, वहां पर बहुत सारे धनवानों ने दान दे रहे थे, तो बहुत सारे धनवानों ने दान देना स्टार्ट किया, लेकिन किसी ने लाखों दिया, किसी ने 10 लाख दिया, किसी ने 5 लाख दिया, लेकिन एक विधवा औरत जाती है और वो दान करती है। वो जब दान करती है तो परमेश्वर उस विधवा औरत को दान को देख लेता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने 10 लाख दान दिया, उसका परमेश्वर ने नहीं देखा, और विधवा औरत 2 रुपया दान की, उसको परमेश्वर ने देख लिया। परमेश्वर अपने चेलों कहता है सबसे अधिक दान इस विधवा औरत ने की है। परमेश्वर से चेले ने कह रहे हैं कि हे परमेश्वर, इसने 10 लाख दिया इसका तुम नाम ही नहीं ले रहा, इसने 20 लाख दिया इसका तुम नाम ही नहीं ले रहा, जिसने 2 रुपया दान दिया उसका तुम नाम ले रहा है। परमेश्वर ने कहा जिसके पास 10 लाख दान दिया है उसके पास 10 करोड़ है, 10 करोड़ में से अगर 10 लाख दे भी दिया तो क्या दिया, 10 अरब में से 10 लाख दे दिया तो क्या दिया, 1 लाख में कोई 10 हजार दे देते तो क्या दिया। परमेश्वर ने कहा इस विधवा औरत के पास मात्र 2 ही रुपया था, ना इसका घर में है, ना इसका बैंक में है, ना इसके पास बैलेंस है, ना इसका कोई और भी पैसा है, मात्र जड़ जमा 2 रुपया है, चाहे वो घर में हो, चाहे जेब में हो, चाहे जहाँ भी हो, और टोटली पैसा इसने दान कर दिया। परमेश्वर ने कहा सबसे बड़ा धनी यही व्यक्ति है, सब अल्लाह ले ये हालेलुया। परमेश्वर आपके दान को नहीं देखता है, आपका विश्वास को देखता है कि किस आशा से तुम दान देते हो, किस मनसा से तुम दान करते हो। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर बाहरी मनुष्य को नहीं देखता है, परमेश्वर अंदर के मनुष्य को देखता है। परमेश्वर आपको रूप को नहीं देखता है, परमेश्वर आपका मन को देखता है, परमेश्वर आपको सुंदरता को नहीं देखता है, परमेश्वर आपको विचार को देखता है, परमेश्वर आपको आंखों को नहीं देखता है, आपकी आंखों को स्वभाव को देखता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ऊपर बनावटी चीज को नहीं देखता है, परमेश्वर अंदर का रियल चीज को देखता है। सब हालेलुया हालेलुया। जब कोई व्यक्ति अंदर से परमेश्वर के काम करता है, जब कोई व्यक्ति मन से परमेश्वर घर में सेवा करता है, जब कोई व्यक्ति मन से परमेश्वर घर में आराधना करता है, जब कोई व्यक्ति, देखो कभी भी तुम जिस दिन प्रार्थना मन से करोगे उस दिन का आनंद देख लेना, जिस दिन प्रार्थना ऊपर के मन से करोगे उस दिन की देख लेना कि आपके जीवन में कैसा फर्क पड़ता है। जिस दिन तुम दिल से गाओगे उस दिन का आवाज देखना, और जिस दिन तुम ऊपर के मन गाओगे उस दिन का आवाज देखना, आपको डबल फर्क दिखाई देगा। इसलिए जब कोई व्यक्ति दान करता है और दिल से करता है, मन से करता है कि नहीं मुझे इतना दान करना है तो करना है, इतना दान देना है तो देना है, ये चीज मुझे चर्च में देना है तो देना है, ये सहयोग करना है तो करना है, जब तुम कोई मन में ठान लेता है और देता है, परमेश्वर आनंद हो जाता है। और जब परमेश्वर उसको देता है वो व्यक्ति को समझ नहीं आता है कि कहां से आ रहा है, और आते जाता है, भरते जाता है, भरते जाता है, भरता जाता है। यीशु मसीह के नाम में बोला आमीन। दुनिया के लोग अगर आपको कुछ दे, मैं करो आज देंगे कल खत्म हो जाएगा, लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर तुम परमेश्वर में वफादार हो, अगर परमेश्वर घर में ईमानदारी से दान दशमांश दे रहे हो, परमेश्वर घर में ईमानदारी से अपने काम को कर रहे हो, मैं करो जब खुदा आपको देना स्टार्ट करेगा, आपके पास रखने के लिए जगह नहीं होगा, लास्ट में आप बोलोगे अब मैं कहाँ रखूं, ऐसा समय आ जाएगा, परेशान हो जाओगे। जैसे विधवा के पास कोई उपाय नहीं था दान, कोई उपाय नहीं था वो कर्ज देने के लिए, जब यीशु मसीह का दास आता वहां पर और वहां पर वो विनती कर रही थी कि मेरे घर में कर्ज देने के लिए कोई पैसा नहीं है, उसने कहा क्यों चिंता करती है, तेरे पास घगरी है, घगरी वो क्या बोलता है, घगरा, उसको लेकर आ मेरे पास, उसमें थोड़ा सा तेल डाल कर लेकर आ, अड़ोसी पड़ोसी में जितने भी है वो सबको लेकर आ, और परमेश्वर ने उस घगरी में आशीष दिया और वो घगरा भरने लगा, इतना तेल भर गया पूरे अड़ोसी पड़ोसी का भी घर का तेल खत्म, घगरा जो है भर गया था तेल से, अब घगरा ही खत्म हो गया था। लेकिन उसी समय उसने कहा अब तो है ये नहीं है, अब कहाँ से लाऊं, और जैसे उसने बोली कि अब नहीं है वो भर गया, और भरने के बाद क्या हुआ, बंद हो गया। सब हालेलुया। मैं कह रहा हूँ जब राजा के पास धन होता है, राजा चाहे के भी अपना धन को पूरा नहीं खा पाता है, वो भी सोचता है कि ये धन को मैं क्या करूँ, ये राज को मैं क्या करूँ, मैं कितना खाऊंगा, अरे मैं इंसान हूँ खाने भर के खाऊंगा, बाकी क्या करूँगा, मजबूरी है किसी को खिला देना, मजबूरी है किसी को दे देना। लेकिन आप भी ऐसा बनो कि परमेश्वर जब आपको देना स्टार्ट करे चुपचाप लेते रहो, लेते रहो आंख बंद करके, क्योंकि आंख बंद के जब दान करोगे, मैं कह रहा हूँ आंख बंद के भी आपके घर में इतना धन आएगा, इतना बरकत आएगा, आप कहोगे अब तो मेरे ऊपर कोई कर्जी नहीं है, मेरे ऊपर कोई बोझ नहीं है, मेरा घर भी बन गया, मेरा दुकान भी हो गया, मेरा मकान भी हो गया, मेरा जमीन भी हो गया, मेरे पास गाड़ी भी हो गया, मेरे पास ये हो गया, अब परमेश्वर कहेगा और नए काम में तुम हाथ लगाएगा, सफल होते जाएगा। हालेलुया। लेकिन
कब होगा? जब तुम परमेश्वर के सामने वफादार होगे, जब तुम परमेश्वर के सामने ईमानदार होगे, जब तुम परमेश्वर के सामने खुला मन से दान करोगे, दशमांश करोगे, तभी वो आपके जीवन में खुला मन से काम भी करेगा। सब हालेलुया। अभी आप हम देखते हैं दूसरा कुरिन्थियों 9:6-6 से आगे पढ़ना स्टार्ट करो जल्दी से। जब दान करते हैं तो दान का पैसा होता क्या? दान क्यों किया जाता है? दान क्या मतलब होता है? हाँ पढ़ो, क्या लिखा? हर एक जन जैसा मन में ठाने, जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे। जैसा मन में ठान ले कि आज मुझे इतना पैसा दान करना है तो करे। मुझे सोना दान करना, चांदी दान करना, हीरा दान करना, मोती दान करना है, जो मन में ठान लो वो दो। क्योंकि परमेश्वर जी जब मन में अपना विचार बना लो तो पीछे मत हटो, क्योंकि जो कोई पीछे हट जाता है उसका आशीष वही रुक जाता है, अगला अभिषेक मिलता ही नहीं, अगला आशीष उसको मिलता नहीं। हाँ जैसा मन में ठानो वैसा ही दान करे, वैसा ही दान करे, न कुड़ कुड़ के और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। ना कुड़कुड़ के ना दबाव से, परमेश्वर कहता जो हंस के दान करता है उसी का दान को वो ग्रहण करता है। और बाइबल कहता है जब हम पढ़ते हैं दूसरा कुरिन्थियों वहाँ पर 25:2 में पढ़ते हैं, वहाँ पर क्या लिखा दान के बारे में? क्या लिखा पढ़ लो, पढ़ लो। हाँ इजराइलियों से यह कहना, इजराइलियों से यह कहना, मेरे लिए भेंट लाए, मेरे लिए क्या लाए? भेंट लाए। हाँ जितने अपनी इच्छा से देना चाहे, जितना अपने इच्छा से देना चाहे, उन्हीं सबों से मेरी भेंट लेना, उनसे ही भेंट लेना। जो इच्छा से देना चाहता है दान, उन्हीं का भेंट परमेश्वर ग्रहण करता है। लेकिन जो अपने इच्छा से नहीं देता, दबाव में देता है कि नहीं, कोई कहता है 10 रुपए दे दे, 5 रुपए दे दे, ऐसा दान को प्रभु कभी नहीं सुनेगा। और यदि तुम ऐसा दान करते हो, लाख रुपया भी दान करोगे उसमें बरकत नहीं आएगा, और जब तक बरकत नहीं आएगा घर का समस्या का हल नहीं होगा। अब जो कुछ दान करो तो किसी के सुनवा के ना करो, बुलवा के ना करो, चिलवा के ना करो, गुप्त में करो कि परमेश्वर तू जाने और हम जाने। क्योंकि परमेश्वर को मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर ये भी जानता है आपके घर में धन कितना है, परमेश्वर ये भी जानता है कि आपके घर में धन बिल्कुल ही नहीं, वो दोनों जानता है। अगर नहीं है तो भी जानता है, और है तो भी जानता है, आपका जेब में कितना वो भी जानता है, नहीं तो भी जानता है। मैं आपको गवाही बताता हूँ, आप ध्यान देना। जब मैं चर्च में काम कर रहा था, चर्च में सेवा कर रहा था, एक दिन ऐसा हो गया मेरे पास दान देने के लिए भी पैसा नहीं, मेरे पास दान देने के लिए 1 रुपया नहीं था, और चर्च मुझे दान देना था। मैं काम करते करते पूरा समय बिता लिया था, मेरे पास जेब खाली हो चुका था, मेरे पास पैसा नहीं था। मैंने कहा मैं दान कहाँ से दूं परमेश्वर से, मैंने कहा परमेश्वर मैं कहाँ से दान दूं, लेकिन मेरा मन कर रहा था नहीं मुझे दान देना है, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे दान देना है। मैंने एक भाई के पास गया और मैंने उससे कहा भाई एक काम कर यार, मेरे पास आज बड़ी बड़ी समस्या है, मैं चाहता हूँ मुझे तू 20 रुपए दे देता तो मैं दान कर देता। मैं उसने कहा ठीक है भाई ले, मैं 20 रुपए तुम्हें देता हूँ तो दान कर ले, और उस समय दिया। और जब मैंने दान किया तब मेरे मन को ठंडक पहुंचा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दान को जैसे परमेश्वर को मैंने दिया, अगले हफ्ते मेरे पास कई गुना पैसा हो चुका था। सब हालेलुया। परमेश्वर आपको कब परखता है? आपके पास धन होगा तब नहीं परखेगा, आपके पास ज्यादा होगा पैसा तो नहीं परखेगा, आपके पास संपत्ति ज्यादा होगा तो नहीं परखेगा। परमेश्वर तब परखता है जब आपके पास 1 रुपया नहीं होता। परीक्षा तब आती है जब आपके पास 1 रुपया नहीं होता है। आप देखो बीमारियां भी तब आती हैं जब जेब खाली होता है, गरीबी भी जब तभी आती है जब आपके पास अनाज खत्म हो जाता है, उस समय आपको पता लगता है रोटी का कीमत लगता है। लेकिन आपको बताना चाहता हूँ जब दुख आता है तो परमेश्वर आपका परीक्षा भी लेता है, इस समय तुम्हारा विचार कहाँ जा रहा है। सब हालेलुया। आपको मैं बताना चाहता हूँ धनवान हो तो आपको ऊपर बड़े अनुग्रह नहीं होगा, अगर तुम कंगाल हो और बिल्कुल पैसा नहीं है और फिर भी कहीं ना कहीं से व्यवस्था करके दान कर रहे हो, दान दे रहे हो, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये दान एक जिस दिन फल के निकलेगा। मैं कह रहा हूँ धरती के अंदर एक बिया बोया जाता है, लेकिन जब एक बिया जमीन के अंदर जाता है और सड़ता है और मरता है, जब वो बाहर निकलता है तो उसमें दाने निकलते हैं। एक बिया को तोड़ो मोड़ो और उसमें बाल को नोच के देखना, कम से कम 50-60 दाने स्टार्ट हो जाते हैं। सब हालेलुया। जो कोई बोता है जमीन में वो आशा भी रखता है मैं बोया हूँ तो 3 महीने में कटनी होगा, 4 महीने में, 6 महीने में कटनी होगा, उसको एक विश्वास होता है मैं काटूंगा। लेकिन जो बोया ही नहीं उसका एक विश्वास होता है मजदूरी करूंगा। लेकिन बोने वाला बनो, मजदूरी करने वाला ना बनो। जिस दिन बोना सीख लिए उस दिन काटना भी अपने आप आ जाएगा। सब हालेलुया।
मैं कह रहा हूँ आपको बटोरना भी आ जाएगा, सीख जाओगे तुम कैसे बटोरा जाता है, कैसे काटा जाता है, कैसा रखा जाता है, सब सीख जाओगे। लेकिन जब तक बोओगे नहीं, जब तक दान नहीं देते हो, तब तक आपका जिंदगी कंगाल पान रहता है और बीमारियां तो छोड़ के जाने का नाम नहीं लेता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ बच्चन, हाँ आगे क्या लिखा पढ़ो, छह जो पढ़े थे मैंने उसको साथ पढ़े थे, आपने पढ़ो। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, वैसा ही दान करे, न कुड़ के और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, पास रहे सब। हालेलुया, हाँ हाँ। और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो, बहुत कुछ हो, हाँ हाँ। हालेलुया, पढ़ते जाओ। जैसा लिखा है, उसने बिखेरा, उसने कंगालों को दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहेगा, उसका धर्म सदा बना रहेगा, हाँ। अतः जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वह तुम्हें बीज देगा, वो तुम्हें बीज देगा जब तुम बोने वाला बनोगे, और उसे फलवंत करेगा। हालेलुया, वो कब फलवंत करता है, जब तुम उसके सामने ईमानदार हो जाते हो, वफादार होते हो, परमेश्वर के सामने परमेश्वर का काम करने वाला रहते हो, तो वो तुम्हारे सामने बड़े काम करता है। निर्गमन 25:2 उसका 3 पढ़ो, क्या लिखा है 3 में पढ़, क्या लिखा है। जब कोई दान करता है आपको नहीं समझ में क्या दान करूं, हालेलुया, आपको समझ नहीं आता मैं क्या दान करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। इजराइलियों से बोला, पहले 2 ही पढ़ के शुरू से पढ़, 2 से पढ़ना स्टार्ट कर। इजराइलियों से ये कहना कि मेरे लिए भेंट लाए, मेरे लिए भेंट लाए, जितने अपने इच्छा से देना चाहे उन्हें सब, उन्हीं से सभी से मेरे भेंट लेना, उन्हीं सभी से भेंट लेना, और जिन वस्तुओं से भेंट उनसे लेना है वे है अर्थात सोना चांदी पीतल, सोना चांदी पीतल, जो भी दान करना चाहते हो। बाइबल में लिखा है कि जो तुम्हारे इच्छा है, ये नहीं है सिर्फ पैसा दान करो या ये दान करो, कहता सोना चांदी हीरा मोती जो भी तुम्हारे पास दान करना चाहते हो, परमेश्वर कहता है कि तुम दान कर सकते हो, चाहे तुम कपड़ा दान करो, अनाज दान कर दो, भेंट दान करो, जो कुछ तुम्हारे लगता है कि हमें दान करना चाहिए, वो दान को परमेश्वर ग्रहण करता है। सोना चांदी हीरा मोती सब कुछ, मतलब जितना चीज आपके पास है वो सब परमेश्वर का है, जो कोई दान करता है उसे बड़ी आशीष मिलता है। सब हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों उसका 8:12 में क्या लिखा, जल्दी पढ़ो। दूसरा कुरिन्थियों उसका 8:12 में पढ़ो, क्या लिखा। यस, क्योंकि यदि मन की तैयारी हो, अगर मन की तैयारी हो तो दान उसके अनुसार ग्रहण भी होता है। अगर मन की तैयारी से कोई व्यक्ति दान करता है तो भेंट को, दान को परमेश्वर ग्रहण करता है, अपनाता है कि आज मेरी बेटी ने मेरे घर में दान किया है, आज मेरी बेटी ने मेरे घर में दशमांश दिया है, आज मेरी बेटी ने दिल खोल के दान किया है। जैसे तुम दिल खोल के आज दान करोगे, मैं कह रहा हूँ 1 हफ्ते के अंदर आपका जितने भी काम रुके सब खुल जाएंगे। आप जितने बीमार हो, अगर आप खुल के दान कर रहे हो, फिर करो आपका पैसा बखरी नहीं, आपके पैसा आपके घर बचेगा। यीशु मसीह के नाम में बोलो आमीन। यस आमीन। भेंट मनुष्य का मार्ग खोलता है, भेंट क्या करता है, मनुष्य का मार्ग खोलता है और वो ऊंचे पद वाले के पास पहुंचाता है। तो भेंट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जब हम भेंट देते हैं तो हमारे लिए रास्ता खुल जाता है। हाँ, क्या लिखा वहाँ पर, एक बार और पढ़ो। यस, क्योंकि यदि मन की तैयारी हो तो दान उसके अनुसार ग्रहण भी होता है, जो उसके पास है, न कि उसके अनुसार जो उसके पास नहीं है। बिल्कुल, हालेलुया। तो व्यवस्था विवरण 15:8 पढ़ो, व्यवस्था विवरण 15:8 में क्या लिखा है, जल्दी से पढ़ लो। पुराने नियम में व्यवस्था विवरण 15:8 पढ़ो, और उसके बाद रोमियो 12:8 पढ़ के बस लास्ट वचन होगा। यस, जिस वस्तु की घटी उसको हो, उसकी जितनी आवश्यकता हो उतना अवश्य अपना हाथ ढीला करके उसको उधार देना। क्या पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, मुझे बताओ। व्यवस्था विवरण 15:8, हाँ पढ़ो, पंद्रह का। जिस वस्तु की घटी उसको हो, उसकी जितनी आवश्यकता हो उतना अवश्य अपना हाथ ढीला करके उसको उधार देना। सचेत रह कि तेरे मन में ऐसी अधम चिंता न समाए
कि सातवां वर्ष जो छुटकारे का वर्ष है वह निकट है और अपनी दृष्टि तू अपने उस दरिद्र भाई की ओर से क्रूर करके उसे कुछ न दे और वह तेरे विरुद्ध यहोवा की दुहाई दे तो यह तेरे लिए पाप ठहरेगा। यह तेरे लिए पाप ठहरेगा। सब यह समय चंगाई का समय है, आशीष का समय, बरकत का समय, तो ये समय नहीं गवाना है। ये समय हमें परमेश्वर के घर में अपना दान, अपने दसवां, अपने भेंट को देते रहना है। इस समय आपको अपना हाथ नहीं रोकना है, क्योंकि अभी बोने का समय है, क्योंकि जब कटने का समय आएगा तो आपको बता कर नहीं आएगा। अब देखो बहुत सारे लोग अभी अभी क्या कटने चल रहे, धान का कटने चल रहा है। अभी जो धान का कटने चल रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये आपने कुछ दिन पहले धान का रोपनी किया, रोपनी करके घर आए, घर आने के बाद अपने मन में रखा, अपने मन से कहा, हे मेरा मन, आज मैंने 10 कट्ठा बो कराया है। कितना कट्ठा बो कराया है? 10 कट्ठा बो कराया है। कोई कहता है आज मैंने तो 20 कट्ठा बो कराया है, कोई कहता आज मैं 5 कट्ठा बो कराया, कोई कहता है आज मैं 30 कट्ठा बो कराया, आज मैं इतना कट्ठा बो कर आया हूँ। जब तुम घर आ जाते हो, अब आपका चिंता खत्म, अब परमेश्वर की चिंता चालू, क्योंकि तूने बोया है, अब तूने बो दिया, तुम्हारा जिम्मेदारी था बो देना। अब बोने के बाद क्या होता, बीच बीच में सेवा करना, खाद पानी दे देना, जो भी चीज उसका लगता दे देना, बीच बीच में कर रहे हो। लेकिन आपको बता दूं, कुछ समय के बाद आप निश्चिंत हो जाते हो, डर रह कर सो जाते हो। उसके बाद जब खेत में जाते हो घूमने के लिए, अब वो समय आ गया कटने का। जब वो समय आ जाता कटने का, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आप खेत में जाते हो और ऐसे खेत को घूमते हो, ऐसे घूमने के बाद क्या पता क्या करता, कहता बाप रे, खेत कहता ए मालिक, ए मालिक, खेत आपसे कहता है ए मालिक, अब छुपा मत, भौसुआ लेकर आओ, बोलता है कि कहता है कि मैं पक चुका हूँ, मैं तैयार हूँ, अब तुम आ जाओ जल्दी से हंस वाले करने का, मैं यहीं झड़ जाऊंगा। अब मालिक अचिकट हो जाता है, मालिक कहता है मेरा खेत में तो फसल हो चुका है, अब चलो कटने का समय आ गया है। और मालिक क्या करता है, दो चार लोगों को साथ लेकर जाता है, बोने के लिए अकेले जाता है, काटने के लिए 10 लोगों को लेकर जाता है, और काटता है, बड़े प्यार से बटोरता है, दाता है, वो साता है, घर लेकर आता है और बखार भरता है, मन से कहता है मेरे मन, अब तो 1 साल को खाने के लिए तैयार हो गया ना, सब हालेलुया, 1 साल चैन से खाओ पियो। लेकिन अगर व्यक्ति बोया ही ना हो, अगर व्यक्ति अनाज बोया ही नहीं हो, वो अपने मन से क्या कहेगा? वो कहेगा चल फौजदारी कर, चल नौकरी कर, चल लबरई कर, क्योंकि मैंने बोया ही नहीं तो क्या काटूंगा। आप समझ रहे कि नहीं? इसलिए अभी आपका समय है बोने का। मैं कह रहा हूं अगले साल आने से पहले कटनी स्टार्ट हो जाएगा, इसी का नाम है। यस हालेलुया। अब तैयार हो कि नहीं? यस। अब तैयार हो कि नहीं बोने के लिए? यस। कितने तैयार है कि हम अपने इच्छा से दान आज दे कर जाएंगे, बो कर जाएंगे, ये पूरे महीने बोएंगे, क्योंकि आपके दान की आवश्यकता है चर्च के अंदर, दान की आवश्यकता है, दान को जरूरत है। क्योंकि मैंने 2 घंटा प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने मुझे बताया कि आज दान के ऊपर प्रचार करो 2 घंटा के बाद, तो मैंने कहा चलो आज मैं इस पर प्रचार करूंगा। लेकिन आपको बताना चाहता हूँ दान की जरूरत है। अगले महीने में 6 तारीख को चर्च का साल गिरे है, 6 तारीख को हो रहा है। Yes, अगले yes, महीने में 6 तारीख को ये साल गिरे हो, मतलब जैसे शादी का साल गिरे होता है, वैसे चर्च को जो हमारा रिस्टोर्ड है, चर्च संस्था जो रिस्टोर्ड है, उसका साल गिरे पूरे होगा 6 तारीख को। तो 6 तारीख को हमको समझ लो कि एक नया जन्म होगा इसका, और हम लोग पूरे लोग अपने खुशी के साथ आएंगे। और जैसे मान लो किसी बेटा का जन्म हुआ, किसी व्यक्ति का जन्म होता है तो जन्मदिन मनाया जाता है, उसी हिसाब से ये चर्च का जन्मदिन होगा, इसका साल गिरे होगा, साल पूरा होगा। उस दिन जब आप नए नए कपड़े पहन के आओगे और आज बोओगे, आज से लगातार बोओगे, तभी 6 तारीख में हम सारा व्यवस्था इकट्ठा करेंगे। क्योंकि 6 तारीख का जो बहुत ज्यादा खर्च होने वाला है, बहुत सारे पैसे लगेंगे, बहुत सारे व्यवस्था करना है यहाँ पर, बहुत सारे लोगों के लिए खाना बनना है। अभी अभी भीड़ तो ये कुछ नहीं दिख रहे हो, 6 तारीख में जो भीड़ होगा ये पूरा खेत खाली कराना पड़ेगा, इतना भीड़ होगा। Amen. तो उतने लोगों को व्यवस्था करने के लिए हमें तैयारी अभी से करना है। जो कहता है कि जो घर बनाते समय बजट ना जोड़े वो मूर्ख हो। अगर तुम घर बनाते हो, तुम्हारे पास 2 कमरा मकान है, 4 कमरा, अगर 4 कमरा बनाना चाहते हो घर में, और 4 कमरा बनाने से पहले तुम बजट नहीं जोड़ते हो तो तुम मूर्ख हो, क्योंकि तुम ऐसा काम करके फंस जाओगे। मान लो 4 कमरा बनाने के लिए पैसा ना हो और तुमने काम चालू करा दिया और पता लगा बीच में कोई प्रॉब्लम आ गया, काम रुक गया, तब तुम रहो घर के बाहर। इसलिए बजट जोड़ना, जब आदमी व्यक्ति बेटी का शादी करता है तभी बजट जोड़ता है कि मेरे बेटी के शादी में इतना खर्च आ सकता है, आता है कि नहीं, बजट जोड़ता है कि नहीं।
घर बनाने में बजट जोड़ता है, काम करने में, गाड़ी लेने में बजट जोड़ता है कि मैं इतना पैसा इकट्ठा करूंगा तो इतना में मेरी गाड़ी बनेगा, बजट जोड़ता है। लेकिन आपको बताना चाहता हूं मैं भी बजट जोड़ रहा हूं छह तरीका कि लाखों से लाखों खर्च होने वाला है तो वो खर्च कहां से आएगा, परमेश्वर के लोग ही खर्च को पूरा करेंगे। हालेलुया, आप समझ रहे कि नहीं? यस। उसके बाद से अभी मैं लगातार हम लोग कार्यक्रम का देखो अभी वो स्टार्ट होगा, उसके बाद से यहाँ पर एक और कार्यक्रम रखा गया था मेरे पिताजी का, वो साल का बरखी बोलते हैं बरखी, जब पिताजी का मेरा पिताजी, हाँ पिताजी पिताजी भी इस दुनिया में नहीं है तो वो मेरे पिताजी पहलवान थे, वो अखाड़ा चलाते थे, कुश्ती लड़ते थे, तो उनके साल पर अगले महीने ही हो सके तो वो दंगल करवाना भी है यहाँ पर, बहुत बड़े पैमाने पर वो होगा। उसके बाद हमारा जो है 25 दिसंबर आ जाएगा, वो भी हमारा रहेगा। उसके बाद हमारा 1 तारीख को जन्मदिन, हमारा खुद का जन्मदिन होगा। तो ये 2-3 महीने लगातार हम लोग अपने खुशी में रहेंगे और हम भूल जाएंगे कि हम कहाँ हैं। 3 महीना आनंद करो खुदा के घर में आकर, और देखो आशीष अगला जब जनवरी आएगा, जिस दिन मेरा जन्मदिन है उस दिन जब जनवरी आएगा, जनवरी महीना में जो आपको मिलेगा पूरे साल में आशीषित होगा यीशु मसीह का नाम। यस आमीन। मुंह मंगा मिलेगा, मुंह मंगा, समझ रहे कि नहीं? यस। मुंह मंगा ही ना मिलेगा उस दिन, कहता परमेश्वर कहता है राजा जब देता है, जब राजा खुश होता है कहता मांग लो मुंह खोल के क्या चाहिए, फिर कहता झोली फैला दो और झोली अब भर भर के लेकर जाओ यीशु के नाम में। आमीन। हमारे कलीसिया के लिए भी भेंट की जरूरत है और इसलिए परमेश्वर ने मुझे कहा इस वचन को पढ़ रहा हूं। और रोमियो 12:8 में क्या लिखा है पढ़ो एक बार, रोमियो 12:8 पढ़ो। मैंने बोला बोल कर रखा मैंने वचन लेकिन पढ़ के नहीं रखे तुम। हालेलुया। जो उपदेशक हो, जो उपदेशक हो उपदेश देने में लगा रहे, आज से जो व्यक्ति उपदेश करता मतलब प्रचार करता हो, किसी को सुसमाचार सुनाता हो, उपदेशक उपदेश देने में लगा रहे, दान देने वाला उदारता से दान दे, दान देने वाला कभी अपने मन के कुकुड़ाहट से नहीं मन के इच्छा से दे, मन मन करता मेरे इतना दान करना, ये दान करना, ये दान करना। जब मैंने दूसरे चर्च में गया था मैंने परमेश्वर मुझे कहा घड़ी दान कर दे, अंगूठी दान कर दे, मैंने कहा ले परमेश्वर जब तूने भूल दिया तो मेरे लिए कुछ नहीं है ये, मैंने तुरंत निकाला दान किया और जैसे मैंने आया मेरे घर बन गया। दान जब करते हैं तो रास्ता खुलता है, लेकिन करते नहीं है तो रास्ता नहीं खुलता है, ये मैं जानता हूँ। और जब मैं करता हूँ आप अपना दान देता हूँ, यानी कि दान सिर्फ आप देते हो, मैं आपसे बढ़ के भी दान करता हूँ, आप कई बार 10वां हिस्सा देते हो, मैं 15 हिस्सा 20वां हिस्सा भी दान करता हूँ, परमेश्वर घर में दान देता हूँ, अपने कमाई का हिस्सा देता हूँ और तब जाकर मैं आगे बढ़ता हूँ। ऐसे नहीं बढ़ता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं पास्टर हूँ तो मैं दान ना दूं, मैं भी मेरे भी गुरु हैं, मेरे भी अगुआ हैं जिनके कर्म में मेरे को दान देना होता है, वहां से मेरे लिए प्रार्थना होता है, मेरा दान वहां जाता है, फिर वहां के दान उनके गुरु के पास जाता है, उनके पास उनके गुरु के पास जाता है, समझो कि आपका दान कहां तक जाता है। इसलिए परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, बोलो आमीन। जो दान करे वहां से, दान देने वाले उदारता से दे, जो अगुवाई करे उत्साह से करे, जो दया करे वो हर्ष से करे, जो दया करे वो हर्ष से करे। सफल हालेलुया। मलाकी पत्र 3:10 पढ़ो क्या लिखा, मलाकी 3:10 जल्दी लास्ट वचन पढ़ो। हालेलुया। सारे दशमांश भंडार में ले आओ, सारे दशमांश कहां ले आओ, भंडार में परमेश्वर के घर में, कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे, मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा कहता है कि, ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं, ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपन पार आशीष के बारिश करता हूँ कि नहीं। मेरे घर में दान देकर देखो, मेरे घर में दशमांश देकर देखो, मेरे घर में भेंट देकर देखो, जैसे तुम दोगे वैसे मैं तुम्हारे घर में आशीषों का बारिश कर दूंगा। हालेलुया। चाहते हो कि नहीं आपके घर में, यस, तो अपने हाथ उठाओ और अपने दान अपने भेंट को अपने मुट्ठी में पकड़ो। आप जो कुछ दान करना चाहते हो,